Hello everyone, welcome in Cosmos. I hope you all were good and quite healthy. So here we will start the next topic of this chapter, which is matter in our surrounding. And here the topic is 2.3 states of matter. Matter ki states kitni hain, avasthaen kitni hain. Matter can be classified in many ways. Matter ko kai tarah se classified kiya ja sakta hai. However, the following are two main ways of classifying the matter. पर यहाँ दो तरीके से मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, बाय द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, जिसको किस में दिखा सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. सॉरी, वी शैल डिस्कस दिस क्लासिफिकेशन इन द नेक्स्ट सेक्शन. Let us discuss about the classification of matter based on physical state. पहले हम देखते हैं physical state में matter को कैसे classified किया गया है. Matter can ordinary exist in three state, जो कि हम जानते हैं solid, liquid and gas. These three states of matter have different properties. इन सभी जो matter की states हैं, उन सभी की properties different होती हैं. Water exists in all the three states. Water एक ऐसा मैटर है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, नेमली स्टीम और वाटर वेपर. वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है एंड आइस सॉलिड. दिस इज़ द ओनली सब्सटेंस विच एग्जिस्ट नेचुरली इन ऑल द थ्री स्टेट. ये सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. वाटर हम जानते हैं कितना वैल्यूबल है. The characteristic properties of different state of matter depend on intermolecular forces. एक बार और देखते हैं, the characteristic property of different state, जो भी matter की states हैं उनकी properties हैं, है ना, वो depend करता है किस पे, उसके intermolecular force कैसा है. अब इसमें भी इसके बारे में बात हम करते हैं, ये होता क्या है. The force holding molecules together are called intermolecular force. ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता हो एक साथ, उसको कहते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस दैट इज़ फोर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स. इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा हो. ट्राई टू कीप मॉलिक्यूल टुगेदर बट थर्मल एनर्जी ऑलवेज ट्राई टू कीप दैम फार अपार्ट. जब भी किसी भी सब्सटेंस को, मैटर को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो इस फोर्स को क्या कर देती है, वो वीक कर देती है, जिससे मॉलिक्यूल्स कैसे होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं. इट इज़ द कॉम्पिटिशन बिटवीन मॉलिकुलर इंट्रैक्शन एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी दैट डिसाइड्स वेदर अ गिवन सब्सटेंस अंडर गिवन कंडीशन विल बी ए सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन दोनों में एक तरह से देखा जाए कि कॉम्पिटिशन होता है किसमें, मॉलिकुलर इंट्रैक्शन एनर्जी, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी. थर्मल और हीट एनर्जी कैन कन्वर्टेड वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर स्टेट, दस अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन बोथ. तो इस तरह हम देख सकते हैं जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो दोनों पे डिपेंड करती है, किस पे, मॉलिकुलर इंट्रैक्शन एनर्जी और थर्मल एनर्जी. इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी विच बेसिकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और सभी किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर. सारा खेल टेम्परेचर का है, टेम्परेचर लो इंट्रैक्शन एनर्जी ठीक रहेगी, टेम्परेचर हाई कर देंगे तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे मॉलिक्यूलर दूर दूर होने लगेंगे. ईच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. हर स्टेट ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. नाउ यू शैल लर्न अबाउट दीज प्रॉपर्टीज. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनके जानते हैं, तीनों स्टेट्स की. फर्स्ट स्टेट जैसे कि हमारे सामने है 2.3.1. इस वीडियो में, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इस वीडियो हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ को कवर अप करेंगे डिटेल में. तो 2.3.1 सॉलिड्स, वी आर सराउंडेड बाय इन्यूमरेबल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. अ पीस ऑफ वुड, स्टोन, पेंसिल, अ पेन एंड अ कंप्यूटर ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. हम जानते हैं सॉलिड हमारे चारों तरफ है,
कई सारे एग्जांपल्स हैं. अ सॉलिड हैज़ डेफिनेट साइज एंड शेप विच डू नॉट चेंज ऑन देयर ओन. सॉलिड का डेफिनेट शेप और साइज होता है जो खुद से नहीं बदलता है. हाउएवर बाई यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स यू कैन चेंज द शेप ऑफ ए सॉलिड. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो सॉलिड का हम शेप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कट अ पीस ऑफ मेटल इंटू टू पार्ट्स एंड यू कैन यूज हैमर टू चेंज इट्स शेप. जैसे कि हम कुछ फोर्स लगाएं अगर किसी भी मेटल पर तो उसके दो पार्ट्स कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, हैमर से उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे टू चेंज द शेप ऑफ सॉलिड्स. या कोशिश करें सोचने, कई तरीके हैं. बैलून का शेप चेंज कर सकते हैं बाई प्रेसिंग, है ना. येस यू कैन बीट इट इंटू शीट और पुल इट इंटू स्ट्रिंग. अच्छा है, नेक्स्ट देखते हैं. ये आपके सामने फिगर है, शेप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास हैं, लिक्विड के दूर हैं कुछ, और गैस के इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ी दूर हैं. इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर कैपेबल ऑफ कीपिंग द मॉलिक्यूल्स इन फिक्स्ड पोजिशन. यहाँ तीन बातें हमें समझ आई हैं कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी फिक्स्ड पोजिशन पे हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई सॉलिड आर रिजिड एंड हार्ड. यही वो रीज़न है अगर पूछा जाए वाई सॉलिड आर रिजिड एंड हार्ड, तो हम बता सकते हैं कि उनमें जो पार्टिकल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं. आल्सो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सॉलिड को हम कंप्रेस्ड भी नहीं कर सकते, जैसे कि उसको प्रेस भी नहीं किया जा सकता. बैलून का एग्जांपल दिया, वो सॉलिड का एग्जांपल नहीं था. थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने इसीलिए दिया, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसका रीजन. द एट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिकम रिपल्सिव व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू कम फर्दर क्लोजर. व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड देयर इज एन इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी. सॉरी, जब भी सॉलिड को हम हीट करेंगे तो उसमें क्या इंक्रीज़ होगी, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी उनके पार्टिकल्स में, विच रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जो कि किस में बदल देगा, सॉलिड को लिक्विड में बदल देगा. द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड. इस समय जो टेम्परेचर होगा उसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट. जब वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा होगा वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा सॉलिड का. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 2.3.2, जो कि लिक्विड है, इसके बाद गैस को भी हम देखेंगे. वाटर इज ए लिक्विड. वी ऑल नो दैट मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल आर अदर एग्जांपल ऑफ लिक्विड्स. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स. क्या आप सोच सकते हैं कई सारे एग्जांपल्स हैं. जूस. A liquid has a definite volume. However, a liquid does not have a definite shape. क्या हो कि अगर liquid का definite shape ना हो, it takes the shape of its container. हमें पता है liquid को हम कहीं भी कर दें वो उस जगह में adjust हो जाता है. A liquid can flow. Liquid flow हो सकता है. You can pour a liquid or spill it. कुछ भी किया जा सकता है. Can you spill a liquid? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे क्या उसे स्पिल किया जा सकता है. लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस. लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टी के ठीक बीच की होती हैं, जिन्हें हम देखते हैं. द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड आर वीकर देन सॉलिड बट स्ट्रोंगर देन गैसेस. क्योंकि हमें पता है जो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो गैस से ज़्यादा होता है और सॉलिड से
कम होता है। इन लिक्विड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट ऑक्यूपाई फिक्स पोजिशन। सॉलिड में ये केस होता है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी पोजिशन कैसी रहेगी, फिक्स, बट लिक्विड में उनकी पोजिशन फिक्स नहीं होगी, इसी वजह से तो वो फ्लो कर पाते हैं और किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी वेसल में वो क्या हो पाते हैं, एडजस्ट हो पाते हैं। इन लिक्विड जैसे कि देख चुके हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन दोज ऑफ गैसेज। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड कैन ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर एंड गेट अट्रैक्टेड वाइल अप्रोचिंग द अदर मॉलिक्यूल्स। लाइक इन सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम रिपल्सिव। सॉलिड की तरह इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कैसा होता है, रिपल्सिव। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू ब्रिंग द मॉलिकुलर क्लोजर बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब भी प्रेशर हम अप्लाई करेंगे लिक्विड पर तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। दिस इज़ द रीजन व्हाई प्रेशर डज नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो कोई इफेक्ट नहीं कर पाता प्रेशर लिक्विड में, क्योंकि अगर हम प्रेस करें तो वो तो इधर उधर वैसे ही मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो यहाँ हमने दो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको पता है कि सॉलिड हार्ड क्यों होता है, रिजिड क्यों होता है, उसका रीज़न। दूसरा यहाँ किसका रीज़न कि प्रेशर डज नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हाई प्रेशर डज नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। क्यों नहीं होता है आप फिर देख सकते हैं डिटेल में। सॉलिड की तरह इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। व्हेन एन एटम इज मेड टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर बाय अप्लाइंग प्रेशर। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं स्टेट्स 2.3.3 गैसेस। वी कैन नॉट सी गैसेस बट दे आर ऑल अराउंड अस। हम देख तो नहीं सकते पर ये हमारे चारों तरफ होती है। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द विंड ब्लोज। हम एयर को फील कर सकते हैं जब विंड ब्लोज कर रही हो। द विंड इज मूविंग एयर एंड इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। विंड क्या है, एक मूविंग एयर है जिसमें कई तरह की गैसों का मिक्सचर होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारी और अदर गैसेस होती हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। इन गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी वीक। मतलब जो गैस होता है वो कंटेनर कितना भी बड़ा हो कम्प्लीटली प्रेजेंस होगा हर जगह, क्योंकि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर, किन के बीच का, मॉलिक्यूल्स, गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। तो उनका इंट्रैक्शन कैसा रहेगा, बहुत ही वीक रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली। और गैसेस में क्या है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होंगे, क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वीक एंड आर अनेबल टू कीप द गैस मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन बल्क। इसी वजह से मॉलिकुलर फोर्स वीक होने की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होंगे और बल्क में नहीं होंगे। द बल्क का मतलब इकट्ठे नहीं होंगे। द मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू वीक मॉलिकुलर इंट्रैक्शन, बात हम कर चुके हैं। सिंस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन गैसेस, इसी तरह क्या होगा, गैसेस में भी बहुत दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। दे कैन बी ब्रॉट क्लोजर व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ध्यान देने वाली बात है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, क्लोज आने की कोशिश करेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। यही वो रीजन है कि गैस को हम हाईली कंप्रेसिबल कर सकते हैं। We can compress a gas only up to a certain limit. यहाँ ध्यान देने में highly compressible तो है पर एक certain limit तक ही compress किया जा सकता है उन्हें। Beyond this limit, repulsion between gas molecules become very high हो जाता है धीरे धीरे करके। और temperature also affect the volume of gases. Temperature भी gases पर effect डालता है। When temperature increase,
सीधी सी बात है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कैसा होगा? बढ़ेगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरेक्शन है, वो कैसा होगा? बहुत ही वीक होगा। और वो टेम्परेचर कम करेंगे तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरेक्शन कैसा होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए क्लोज्ड कंटेनर इज़ हीटेड, इट ब्लास्ट ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन वॉल्यूम। किसी क्लोज्ड कंटेनर को हीट किया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्हें क्या चाहिए होगा? स्पेस चाहिए होगा, वो उन्हें मिलेगा नहीं और इस वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। वी आर लकी दैट अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजली। हम बहुत ही लकी हैं, क्यों? क्योंकि गैस आसानी से कंप्रेसिबल है। इफ़ दिस वॉज नॉट द केस, अगर ये केस नहीं होता, देन वी कुड नॉट हैव ऑप्टेंड CNG, तो हमें CNG प्राप्त नहीं होती। एज यू माइट बी अवेयर दैट CNG इज़ यूज एज ए क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल्स। मोस्ट ऑफ ऑल व्हीकल्स में आज के टाइम, मॉडर्न टाइम्स में CNG को यूज़ किया जाता है, एंड यू माइट हैव नोटिस दैट। अच्छा, CNG की फुल फॉर्म भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड यू माइट हैव नोटिस दैट एट बैक ऑफ सेफरल ऑटो रिक्शा एंड बसेस CNG इज़ रिटन, इस तरह ही लिखा जाता है। वी ऑल्सो हैव आवर कुकिंग गैस सिलेंडर इन किचन बिकॉज गैस LPG। जो कुकिंग गैस होती है उसमें जो सिलेंडर्स में गैस यूज करते हैं वो LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जो व्हीकल्स में यूज होती है वो CNG होती है। देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेस बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। कैन यू थिंक सम मोर एग्जाम्पल? आप थोड़ा एग्जाम्पल सोचिए और उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल इज एन अदर एग्जाम्पल। ऑक्सीजन को भी यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन के सिलेंडर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज शोन इन फिगर 2.2। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं किस तरह शो किया है। इंटरमोलिकुलर स्पेस अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉलिड है, इससे वीक होगा तो लिक्विड हो, और काफ़ी वीक है सॉलिड लिक्विड से भी वीक है तो वो क्या हो जाएगा? गैस। डू यू नो, देखते हैं, 3 बेसिक स्टेट ऑफ मैटर डिस्क्राइब्स एवर, वो कि हम कर चुके हैं, आर डोमिनेंट ऑन अर्थ, जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं, बट दे बिकम लेस रिलेवेंट इन अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 99% ऑफ मैटर इन द एंटायर यूनिवर्स इज नॉट ए सॉलिड लिक्विड और गैस। काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट्स है कि 99% जो है मैटर वो सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है। द फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज़ मोर डोमिनेंट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं प्लाज्मा। द सन कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एज मोस्ट ऑफ द अदर स्टार्स डू। सन क्या करता है? अपने अंदर क्या रखता है? प्लाज्मा को रखता है। एज मोस्ट ऑफ द वो कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा लिक्विड कह सकते हैं, एक अदर फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म भी इसको कहते हैं प्लाज्मा को। एज मोस्ट ऑफ द अदर स्टार्स डू, अदर स्टार्स भी रखते हैं। यू विल लर्न अबाउट प्लाज्मा इन योर हायर क्लास। प्लाज्मा फिजिक्स के नाम से अगर हायर क्लास में देखते हैं तो प्लाज्मा फिजिक्स नाम से एक पर्टिकुलर फिजिक्स में एक सब्जेक्ट है, इसको फर्दर कभी डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो बना के। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जो अभी हमने सीखा है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टेट ऑफ मैटर हमें पता, सॉलिड लिक्विड गैस है। वॉल्यूम की बात की जाए तो सॉलिड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और गैस में फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। डेंसिटी की बात की है, सॉलिड की हाई है, लोअर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड होती है, और गैस में लोअर ही होती है। हैज़ डेफिनेट, सॉलिड का तो पता है डेफिनेट शेप होता है। फ्लूडिटी कैसी होती है? फ्लो नहीं हो सकता है, कंप्रेसिबल नेग्लिजिबल है। लिक्विड की बात की जाए तो शेप कैसा होता है? हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। जैसा कंटेनर होगा वैसा ये क्या कर लेगा? शेप ले लेगा। फ्लूडिटी कैसी होती है? फ्लोज होता है, स्मूथली फ्लो होता है, और कंप्रेसिबिली थोड़ी थोड़ी होती है। बात की जाए गैस में शेप की तो हैज़ नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अच्छा, फ्लूडिटी बहुत गजब की होती है, फ्लोज स्मूथली। देख सकते हैं अगर कोई परफ्यूम ऑडियो अगर हम किसी कॉर्नर पे प्रेस करते हैं तो आसानी से पूरे रूम में वो उसकी स्मेल हमें मिलती है।
कंप्रेसिबिलिटी हाईली कंप्रेसिबल होता है, काफ़ी अच्छे से कंप्रेसिबल किया जा सकता है। किसको? गैस को। मैंने देखें कुछ क्वेश्चंस पहले की तरह, थ्री क्वेश्चंस आपके सामने। विच ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। इन तीनों में से कौन सा स्टेट का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, आप आंसर दीजिए पर रीजन के साथ दीजिए। सेकंड है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड्स का डेफिनेट शेप क्यों होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं एक तरह से, ये आप एक्सरसाइज के रूप में समझेंगे और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे। थर्ड देखते हैं, नेम अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट नेचुरली इन ऑल द थ्री स्टेट। कौन सा है, आप कहने बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, वाटर। डू यू नो, एक और सरप्राइजिंग फैक्ट है, जानते हैं। देर आर टू बेसिक कंसेप्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड विच यू कैन रिकॉग्नाइज एवरीथिंग। दीज टू बेसिक कंसेप्ट आर मैटर एंड एनर्जी, जिसे हम वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक मैटर से और एक एनर्जी को। बोथ मैटर एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है कि मैटर और एनर्जी दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसके लिए बहुत ही अच्छा एक सुंदर फॉर्मूला है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई का मतलब है एनर्जी, एम का मतलब है मास, और सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हमारे हर समय के, जो एक सबसे अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, शोड दैट मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। उन्होंने बताया था कि मैटर को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर, और एनर्जी को भी मैटर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कई सारे बहुत ही एक्साइटिंग फैक्ट्स हैं, अब इनके बारे में आप जानेंगे फर्दर अलग लेक्चर में, तब हम आपको इनके बारे में बताएंगे। और इनका सबसे फेमस ये तो है ही इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला फिजिक्स का। नो डाउट ट्रांसफॉर्मिंग मैटर इनटू एनर्जी इज़ ईजी, वेयर इज ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी इनटू मैटर इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब ये कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैटर से एनर्जी में ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एनर्जी से मैटर में ट्रांसफ़र करना ये डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, इन्हें ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस भी मिलते जाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।